और सामू क्या भैया ठीक चल रहा है? और दत्ता ठीक हो? अच्छे खाके खा गुजारेंगे।
है, फटके पे काम करे, वहाँ मुंशी है, अच्छा खासा देंगे जमींदार साहब। अरे वो लड़की मेरी बच्चे नहीं पड़ेगी, तय कर लो। ठीक है, हमारा लड़का भी आया है। अच्छा, और जरा उससे बात कर ले। तो उसकी भी दिखाई करा दो। राजकुमार, राजकुमार, अरे बेटा राजकुमार कहाँ हो? दो दिन बाद आऊंगा शहर से। अरे मैं तुमको बुला रहा हूँ। जी जी पिताजी। आओ बेटा, पास के गांव से जमींदार प्रधान जी आए हैं और तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूँ कि शादी तुम्हारी हो जाए वहाँ पे। लड़के अच्छे हैं, ठीक है ठीक है। और लेन देन की बात तुम साजिश कर लेना। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा लेन देन की बात। ठीक है,
नहीं नहीं वो तो आपकी कृपा रहती है, आप तो चेक स्कूल पे भिजवा देते हैं, हम व्यवस्था ही इतनी बढ़िया चलाते हैं कि हमें आना ही नहीं पड़ता यहाँ। तो कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आपने रजनी की शादी कहीं तय कर दी है। अरे बड़ा बढ़िया लड़का है, शहर में बड़े खूब दान दे तय करके खूब अच्छी शादी तय करी है मैंने। अरे प्रधान जी आपने तो कमाल कर दिया, पूरे गांव को जागरूक करने का तो आप पे उत्तरदायित्व है, आप खुद ऐसे काम करोगे तो फिर पब्लिक को कैसे समझाओगे, फिर अगली पीढ़ी आपको वोट भी ना देने की। क्यों, मैंने क्या किया है? मेरी छोरी है, मैंने ब्याह तय कर दिया, अब मैंने क्या उसमें गलत कर दिया? हमारे देश में कानून बना है, कानून जानते हो ना आप, कानून कानून किसे कहते हैं? ये कौन सा कानून की हम अपनी छोरी का ब्याह भी ना कर सके? अरे कानून है हमारे देश का, जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाएगी और लड़का 21 साल का नहीं हो जाएगा उससे पहले हम बच्चों की शादी नहीं कर सकते। अरे छोरा तो 21 साल का है, छोरी से क्या फर्क पड़े है, 12-13-14 साल की हुए हमारे गांव में तो शादी हो जाए उनकी। अरे प्रधान जी ऐसी बात ना करते, तनिक हमारी बात गौर से सुन लो। देखो जो कानून होता है ना उसका पालन सबको करना पड़े है, और जो कानून का पालन ना करे है उसे सरकार जेल की हवा खिलाए, और साथ में पैसा भी जो तुमने जोड़ा ना वो भी जुर्माना में देने पड़ेगा। अच्छा? हाँ, और जो तुम दहेज की बात चिल्ला रहे हो ना, तो दहेज देना और लेना दोनों ही गंभीर अपराध है, बाल विवाह भी अपराध है, दहेज देना लेना भी अपराध है, और जो इतने बड़े उम्रदार आदमी से तुम शादी करने जा रहे हो लड़की की, जरा सी उम्र की लड़की की, वो भी गलत है। लैंगिक उत्पीड़न का, बच्चों का संरक्षण का भी अधिनियम बन गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी है जिसमें बच्चों को पढ़ाई निशुल्क होती है 6-14 साल के बच्चों को, पता है उसमें 7 अध्याय में 38 धाराएं हैं, 38, और 38 धाराओं में अभिभावकों के लिए भी धारा है, ऐसा ना है कि मास्टरों के लिए सारी धाराएं हैं, अभिभावकों के लिए भी धाराएं हैं मैम। अच्छा, जी ये ऐसा ही कानून है, और ये कानून जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है, और अपने उत्तर प्रदेश में तो 27 जुलाई 2011 से लागू है, और जो नियमों का उल्लंघन करेगा तो तुम जानो क्या होता है। अब मेरा तो प्रधान जी काम था समझाने का, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, मेरे पिता समान हो, और मेरी बात को जरूर मानोगे, लड़की के भविष्य का सवाल है तो उसके भविष्य को खराब ना करो, अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, अभी से उस पर इतना घर गृहस्थी का बोझ कर दोगे तो बहुत परेशानी होगी। ना ना मैं ऐसा ना करूंगा, मैं तो रजनी को पढ़ने भेजूंगा, ऐसे कानून है तो मैं उनका पालन करूंगा। और यदि कोई किशोर किशोरी भी कहीं किसी गलत अपराध में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए भी किशोर न्याय बना है, यानी कि सुधार गृह, जहाँ पर बच्चों को सुधारने की पेड़ शिक्षा दी जाती है। आई समझ?